नमस्कार। आपको जहां निर्भया के गुनहगारों की फांसी का इंतजार है, वहीं पर छोटी निर्भया की केस का फैसला आ गया है। छोटी निर्भया कौन है आप भूल गए होंगे, 2012 में हुआ था निर्भया का केस और उसके अगले साल दिल्ली में एक और बीवत्स रेप हुआ था। छोटी निर्भया इसलिए कहा गया, 5 साल की छोटी बच्ची थी, इसे नाम दिया गया गुड़िया। 2 लड़के थे, मनोज और प्रदीप, उन्होंने बीवत्स तरीके से रेप किया था, बड़ी मुश्किल से जान बची थी। गांधीनगर दिल्ली की वारदात थी ये। और आज जब फैसला सुनाया गया तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि छोटी बच्चियां हमारे देश में देवी की मूर्त मानी जाती हैं, उनके साथ जो किया है उसकी जघन्य सजा मिलेगी। वो सजा ऐलान होगी 30 जनवरी को, गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन। लेकिन जैसे ही सजा सुनाई गई, कोर्ट से बाहर आए वो लोग, दोनों आरोपी, उनमें से एक गुनहगार, अब मैं आरोपी नहीं कहूँगा क्योंकि सजा होने वाली है, उनको दोषी ठहराए जा चुके हैं, एक ने मीडिया पे और जो एक्टिविस्ट थी उन पर हमला बोल दिया। रेप एक्ट के जो पीड़ित हैं, उनकी एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए लड़ती हैं योगिता भयाना, ये उनका फोटो है और ये ट्विटर पे वो वीडियो शेयर कर रही हैं, हमले का लाइव वीडियो। ये व्यक्ति है मनोज और जिसने हमला किया, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो लिख रही हैं कि कैसे गुड़िया केस में सुनवाई के लिए कोर्ट में खड़ी थी, जब वो कोर्ट से बाहर निकला मनोज जो रेपिस्ट है उसने मीडिया और हम सब लोगों पर हमला किया, अभी कोर्ट में ही हूँ, जज ने वापस रेपिस्ट को बुलाया है, जाहिर है जज ये घटना देखकर गुस्से में होंगे। अब ये वीडियो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कैसे ये व्यक्ति आता है, ये आगे प्रदीप है, पीछे मनोज है, ये हमला बोलेगा इधर, और इसने हमला बोला, किसी को थप्पड़ मारा, उसके बाद इसके आप देख रहे हैं तेवर। रेप करने के बाद एक मासूम सी बच्ची को इस हालत में पहुंचाने के बाद उसके आप तेवर देखिए, आप ये सोचिए कि कैसे, किन संस्कारों में पले बड़े होंगे लोग, किस परिवार में पले बड़े होंगे ये लोग, कैसे ये सब कर पाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको खुद पर, उसके बाद ये तेवर दिखा रहे हैं भरी कोर्ट में। तो इनकी सजा का ऐलान होगा 30 जनवरी को, देखते हैं इस घटना के बाद जज और क्या सख्त सजा सुनाता है। हमारी नज़र रहेगी इस खबर पर, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।